तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आप एक केबल 40 न्यूटन है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम टेंशन जो पॉसिबल है वो 40 न्यूटन है, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा केबल। एक बॉडी है यहाँ पे हॉरिजेंटल सरफेस पे 8 kg का ब्लॉक है, दिस इज़ द 8 kg ब्लॉक, और वो बेचारा चुपचाप यहाँ पे रखा पड़ा है। अब लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को ही खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो 8 kg रेस्टिंग ऑन द टेबल, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है जो कि 0.8 है। तो सॉरी ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अब कहते हैं मैक्सिमम एक्सलेशन विच कैन बी प्रोड्यूस बाय द अप्लाइंग केबल, जी की वैल्यू 10 लेना भाई। यहाँ पर एक स्ट्रिंग रसरी लगा के, केबल लगा के, ये केबल लगा के इस ब्लॉक को पुल कर रहे हो, ठीक है, एक फोर्स एफ लगा के इसको पुल कर रहे हो, तो इस ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम एक्सलेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब इस पर लगने वाले सारे फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ नॉर्मल देखूँगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल देखूँगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, दैट इज़ म्यू एन, नॉर्मल ऊपर जाएगा और एम जी नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ एम जी के बराबर आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू, म्यू की वैल्यू 0.2, नॉर्मल यहाँ से मास एम जी, ठीक है ना। तो एम जी अगर देखोगे तो 0.2, जी की वैल्यू 10 और 8, तो यह आ जाएगा 16 न्यूटन यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 40 न्यूटन है, और यहाँ जो पीछे जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा 16 न्यूटन, तभी जाके इसमें एक्सलेशन इधर मैक्सिमम एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ मैक्सिमम एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो एक्सलेशन कैसे निकालते भैया, मैक्सिमम एक्सलेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी। मैक्सिमम फोर्स मतलब टेंशन मैक्सिमम माइनस फ्रिक्शन लिमिटिंग मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मास 8 kg, तो 40 माइनस 16 है और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। तो ये 40 माइनस 16 ये कितना आ जाएगा, 26, और डिवाइडेड बाय 8 यहाँ से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे 20, यहाँ से आ जाएगा 13/4, 13/4 मतलब यहाँ से 4 × 3 = 12, 3.1 के आसपास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के देखो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अपना बी ऑप्शन, लगभग लगभग सही है, अप्रॉक्सीमेटली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।